नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुरेश कुमार एकलव्य और आप देख रहे हैं हिंदुस्तान न्यूज एंड टिप्स। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे, अपना और अपने परिवार की सेहत का ध्यान रखें, ज्यादा भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, क्योंकि इस वक्त आप जितना अपने आप को घर के अंदर कैद कर सकेंगे आप उतने ही सुरक्षित हैं। और फिलहाल मैं भी यही कर रहा हूं। इटली में 3405, चीन में 3218, ईरान में 1284, स्पेन 831, फ्रांस 372, अमेरिका 218। कुल मिलाकर स्थिति यह है कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया यानी दुनिया का कोई हिस्सा नहीं है जहां यह रोग कहर नहीं बरपा रहा है। 10,000 से ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, लाखों लोग संक्रमण का शिकार हैं। दुनिया में अब कोई देश नहीं बचा है जो इस आपत की जद में नहीं आया हो। चिंतित करने वाली बात यह है कि दुनिया में इसके लाइलाज होने के चलते कहा नहीं जा सकता है कि आंकड़े अभी और कितने ऊपर जाएंगे। सरकारों के पास गाइडलाइंस तो है, पर परिणाम की भव्यता भी उनके हाथ पांव फुला रही है। किसी भी देश या वैज्ञानिक के पास जवाब नहीं है कि यह आंकड़े कब स्थिर होंगे और अंत में दुनिया किस मोड़ पर खड़ी होगी। जो चल रहा है उसे रोकने या उसके खुद थमने की आस नहीं है। ऐसे में हर कोई व्यक्ति सहमा हुआ है। जो संक्रमित हो चुके हैं वे अज्ञातवास में है। बचना या नहीं बचना भगवान भरोसे है। जो अभी इस रोग की जद से बाहर हैं उनकी भी लंबे वक्त तक सुरक्षित रहने की गारंटी नहीं है। आइसोलेट करके सुरक्षित रहने के उपाय तो बताए जा रहे हैं, पर इसकी दवा कोई नहीं है। यानी जो इंसान चंद्रमा, मंगल और अंतरिक्ष में पताका फहराने के दम भर रहा था, वह पृथ्वी से उत्पन्न एक वायरस के सामने घुटनों के बल पड़ा है। एटमी शस्त्र और बड़े बड़े युद्धक विमान, विशाल जहाजी बेड़े सब एक वायरस के आगे परास्त हैं। जो समुदाय दाढ़ी बढ़ाकर और AK-47 लेकर रेडिकल इस्लाम का झंडा बुलंद करने चला था, वह भी हुरों के दरवाजे पर खड़ा है। ऐसे में तो यही लगता है कि ये मजहब किस्से कहानियों से ज्यादा कुछ नहीं है। अगर परिस्थितियों में बदलाव नहीं आया तो केवल एक देश ही नहीं, दुनिया भुखमरी के कागार पर पहुंच जाएगी। सरकारों के खजाने अभी से खाली होने लगे हैं। गरीब और विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था तो अभी से ही चरमरा रही है। दुनिया लॉकडाउन जैसे हालातों की तरफ बढ़ने लगी है। यानी मनुष्य का मनुष्य से संपर्क केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों तक रह जाएगा। इस वक्त सभी देशों को केवल अपने अपने नागरिकों की चिंता सूझ रही है। भारत ने हालात को संभाल कर रखा है। सरकार ने समय रहते काफी अच्छे प्रयास किए हैं। इसमें भारत के नागरिकों के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। कुछ तत्व हो सकते हैं जो इस देश के लिए मुसीबत है, पर वो जहां पड़े हैं उन्हें अब वहां से नहीं उठाया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों का इस देश या दुनिया में होना ही अशांति और असुरक्षा का प्रतीक है। देश को इन पर कभी भरोसा नहीं रहा, यह आज भी ये साबित कर रहे हैं। वैसे भी यह वायरस ऐसे ही लोगों पर ज्यादा प्रभावी है। अब जिन जिन लोगों में हुरों के पास जाने की बेचैनी है उन्हें घबराने की जरूरत नहीं है। वे दिल्ली के मजमे में शामिल हो सकते हैं, वहां से इस हुरों वाले कीटाणु को लाकर अपने परिवार और रिश्तेदारों को उससे परिचित करा सकते हैं। उसके बाद इन्हें नागरिकता की कोई फिक्र नहीं रहेगी, कि अंत में यह उसी दुनिया के नागरिक बन जाएंगे जहां ना आधार कार्ड की जरूरत पड़ती है और ना पासपोर्ट की।